नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको जो 38वीं पशु प्रदर्शनी भिवानी शहर के अंदर चल रही है उसमें जो अभी यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ ICR की तरफ से नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस का उसकी डिटेलिंग बताएंगे आपको। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका इंट्रोडक्शन सर प्लीज़। मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार, प्रधान वैज्ञानिक राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र हिसार में कार्यरत हूँ। जी सर, जो हमारा संस्थान है वो घोड़ों से संबंधित, उनके पशुपालन और बीमारियों से संबंधित सभी विषयों पर शोध कार्य करता है। जी सर, तो जो भी जितने भी हमारे 6 या 7 मतलब 6 ब्रीड्स हैं जो इंडिजिनस ब्रीड्स घोड़े की, हाँ। घोड़े की, और एक अभी नई 7वीं ब्रीड रजिस्टर हुई है। जी सर, तो उनके सारे रहन सहन, खान पान, रख रखाव और उनमें जितनी भी बीमारियां होती हैं उन सब पे हम शोध कार्य करते हैं। जी सर, हमने विभिन्न प्रकार की निदान विधियां विकसित की हैं, उनके रोग से रोकथाम के लिए वैक्सीन बनाए हैं, और हमारा शोध कार्य सभी संस्थान का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रसिद्धि मिली है हमारे शोध कार्य को। जी सर, तो हम देश में अकेला ही हमारा एक असव अनुसंधान संस्थान, अकेला ही एक ऐसा संस्थान है जो असवों पर शोध कार्य करता है। जी सर, तो देश हम जितने भी देश में बीमारी का कोई भी आउटब्रेक होता है तो उसको हमें बताया जाता है और हम कंट्रोल करने के लिए अपना जो भी टेक्निकल इनपुट और डायग्नोसिस और बीमारी को रोकने के लिए फार्मर्स और वेटरनरी डॉक्टर्स उनको एडवाइजरी इशू करते हैं। जी सर, तो हम जो हमारा संस्थान है तो उसमें जैसे जो भी कोई घोड़ा बाहर जाता है देश से, कोई घोड़ा अगर देश से के अंदर आता है तो उसके लिए हम बीमारियों से फ्री का सर्टिफिकेशन हमारा संस्थान ही देता है। जी सर, कोई भी घोड़ा अगर किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करता है तो उससे बीमारियों से फ्री का सर्टिफिकेट भी हमारा ही संस्थान देता है। जी सर, तो कोई भी देश में घोड़ों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको हम इमीडिएटली युद्ध स्तर पर। और सर, अभी ये यहाँ पे कुछ किट दिख रही है, मैं इन किट के बारे में थोड़ा हमें जानकारी देंगे। किट में जैसे ये इक्वाइन इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, जो इक्वाइन इन्फ्लुएंजा एक काफ़ी घातक बीमारी है, जो एक आउटब्रेक वायरल बीमारी है। जी सर, रोकथाम करने के लिए हमने ये अपने संस्थान में जो इंडिजिनस स्ट्रेन से टीका तैयार किया है इसमें। तो इस किट को हम कैसे यूज़ करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत हमें इसके बारे में बताइए। हमने क्या ना इंडिजिनस स्ट्रेन से फील्ड वैक्सीन बनाया हुआ है। जी सर, इसको हम सबकुटेनियस और इंट्रामस्कुलर लोगों में दे सकते हैं। ठीक है, बाद में इसको बूस्टर डोज देते हैं ताकि उससे बीमारी से बचाव हो सके। ये किट है, एलाइजा किट, फाइलेरिया इक्वाइन एंटीबॉडी है, जो एक चिच्चड़ से एक बीमारी फैलती है। ठीक है, इसको इक्वाइन पायरोप्लाज्मोसिस कहते हैं। ये इंडिया में बहुत बड़ी बीमारी है, इसके कारण से हम अपने घोड़े बाहर नहीं बेच पाते। जी सर, तो उसको बीमारी का निदान के लिए हमने ये एलाइजा बेस्ड किट तैयार किया है। अगली प्रेगनेंसी किट, मेयर किट है जो प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के लिए है। ये सीरम बेस्ड किट है, एक्चुअल में क्या ना प्रेगनेंसी नॉर्मली रेक्टल एग्जामिनेशन से करते हैं जिससे पशुओं को काफ़ी परेशानी होती है, घोड़ों के अंदर स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की वजह से वो, तो इसलिए अबॉर्शन भी हो सकता है। हाँ, तो इसमें हम सीरम बेस्ड है, ये 35 से 35 दिन के बाद अपना प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कर सकती है। जी सर, तो इसको प्रेगन मेयर किट है, ये एक जो बहुत ही भयंकर बीमारी है घोड़ों में, ग्लैंडर्स नाम की, ग्लैंडर्स, हाँ, तो उसको निदान के लिए ये हमने किट बनाई हुई है। जी सर, तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी वैलिडेटेड किट है, मतलब इंडिया में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किट है। ये घोड़ों की बीमारी एक नोटिफाइबल बीमारी है, अगर कोई घोड़ा पॉजिटिव आता है तो उसको हमें स्टैंपिंग आउट करना होता है। जी सर, और ये किट एक और है इसके बारे में, ये इन्फेक्शियस एनीमिया की बीमारी है, ये भी एक्चुअल में जितने भी क्वेश्चन इवेंट हैं या इस डिजीज से भी एनिमल को फ्री होना चाहिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर्पज के लिए। जी सर, इसके भी हमने निदान विधि बनाई है, इसकी वैक्सीन भी हमने बनाया है ये के लिए। ठीक है सर, एक HV1 है जो हमने वैक्सीन तैयार किया, और एक इसके जो डायग्नोसिस भी तैयार किया इक्वाइन हर्पीस वायरस, इससे अबॉर्शन हो जाता है। अभी जो इक्वी हर्पीस बी एलाइसा किट, इसके बारे में बताइए हमें थोड़ा। इक्वाइन हर्पीस वायरस एक मेजर बीमारी है अपने, वायरल बीमारी है। जी सर, इससे क्या ना घोड़ों में अबॉर्शन हो जाता है। हाँ जी, तो उसको डायग्नोज करने के लिए हमने ये इक्वी हर्पीस बी किट बनाई है जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बेस्ड है। हाँ जी, और साथ में हमने इसके अगेंस्ट वैक्सीन भी तैयार किया हुआ है, HV1 के अगेंस्ट। चलिए डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस सब के बारे में बताने के लिए। कुछ आप हमें पोस्टर के बारे में और बता दीजिए, जैसे ये वैक्सीन का है, ये हमारा इस
ये इक्वाइन इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि ये जो एक स्ट्रेन है H3N8 H3N8 स्ट्रेन और H7N7 स्ट्रेन है, ये रिपोर्ट नहीं हुआ है लास्ट 3 डिकेड से, जो इसमें आउटब्रेक हुआ था पिछला हमारे यहाँ। हाँ जी सर, उससे ही हमने वैक्सीन तैयार की है। जी सर, तो इसमें हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट डोज 6 महीने से ऊपर के उसमें जो एज है उसको दे देते हैं, ठीक है, फिर आगे जो बूस्टर डोज देके उसमें इम्यूनिटी पैदा हो जाती है। अगला हर्पीज, हर्पी अबोर्ट वैक्सीन जो है, जो EHV1 का वैक्सीन जो मैं अभी बता रहा था, उसको हमने इक्वी हर्प अबोर्ट वैक्सीन के नाम से हमने नाम दिया इसको। हाँ जी सर, इससे जो पशुओं में अबॉर्शन हो जाता है उसको बचाव के लिए ये वैक्सीन हमने तैयार की है। जी सर, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस का मैंने बताया कि ये जो 35 दिन के बाद ये प्रेगनेंसी डायग्नोसिस में कामयाब है, 35-120 दिन के लिए सीरम बेस्ड किट है। ये ग्लैंडर्स के बारे में जो इंडिया में पूरे अब तो काफ़ी स्टेट्स में ग्लैंडर का प्रकोप हो गया है, तो हम इसका डायग्नोसिस प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद जो पॉजिटिव आता है तो स्टेट को मदद से उसको एनिमल को कल कर देते हैं और किल कर देते हैं। अब अगली है इक्वी हर्पीस बी एलाइजा किट। ये इक्वाइन हर्पीस वायरस जो अबॉर्शन करता है उसको डायग्नोस करने में हेल्पफुल है, ठीक है। तो ये बताया था कि हमारे जो भारतीय नस्लें हैं घोड़ों की, जी सर, 7 नस्लें हैं, ठीक है, 6 नस्लें पुरानी हैं, ये कभी जो कच्छ सिंधी नस्ल नई अभी ऐड हुई है उसमें, ठीक है। तो जो इसमें जो मारवाड़ी और काठियावाड़ी है इनको हम घोड़ों की कैटेगरी में लेते हैं, घोड़ों का साइज से होता है एक्चुअल में। जी सर, जो इनको हम टट्टू के पोनी बोलते हैं, इनको जंसपारी, मणिपुरी, स्पीति और बुतिया ये पोनीज में आते हैं, ठीक है। ये मणिपुरी वहाँ मणिपुर में पोलो में काफी यूज होता है, लोकल पोलो गेम्स के अंदर लोकल एरिया में। वहाँ ये हमारे जो क्या हम इंस्टीट्यूट को मैंडेट क्या है, हमारे लक्ष्य क्या दिए हुए हैं, जी सर, मेन काम शोध कार्य ही है, ठीक है सर, अपना फोकस रखते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये हमारे वीडियो के लिए। आपको पहले टोल फ्री नंबर दिए हुए हैं, कभी भी किसी भी पशुपालक या कोई वेटरनेरियन के थ्रू हमसे डायरेक्ट बात करवा सकता है और उसको ऑन स्पॉट हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मैं किसी भी तरह की। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू।